आप जानते हैं कि जो है लोकसभा चुनाव जो है वो सामने है और श्रुति चौधरी यहाँ से एमपी रह चुकी हैं और आने वाले समय में यहाँ से एमपी का इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। और ये तो हमारा घर है, हमारा परिवार है, आते रहते हैं हमेशा। आज जो है बाडड़ा का पूरा दिन दिया है ताकि जो है सारा बाडड़ा हम कवर कर पाएँ। उधर जो है 60-70 गाँव उधर तक के आए हैं, इस तरफ 40-50 गाँव मेरे ख्याल में इधर हैं जो भी हैं। ये इसलिए सारे कार्यकर्ताओं को मिलना हो जाएगा, उनकी समस्याएं वो सुननी हो जाएंगी। और ये इस तरह के लोग हैं कार्यकर्ता, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। और बहुत सारे नए लोग जो हैं जसपा के और भाजपा के, वो जो हैं हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आस्था जता रहे हैं। तो ये सारा उनके लिए रखा, सबके लिए रखा गया है ताकि मुलाकात हो जाए और सबके साथ मिल बैठ कर आगे की रणनीति बनाए। कहने की बात नहीं है, मैंने तो विधानसभा में ये प्रश्न उठाया, ये जो बिजली के टावर हैं इसका प्रश्न मैंने उठाया है और इसका कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो भी मैंने लगवाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि सरकार जो है तस से मस होकर राजी नहीं है और इसलिए बेचारा किसान जो है दर बदर की ठोकरे हाथ खा रहा है। चाहे इसका काम हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे यहाँ किसान जो हमारे टमाटर उगाते हैं उनका जो है उपज जो है उनकी नहीं बिक रही है, बाकी जो भी है बाजरा हो, कॉटन का प्रॉफिट, सारे का सारा जो है आज जो हालात किसान के जितने बुरे हुए हैं कहीं गए नहीं, ऐसे कहीं नहीं हुए हैं। वो भी हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर जो कृषि प्रधान प्रदेश है, जो हमारी अर्थव्यवस्था कृषि के ऊपर टिकी हुई है, आज इस प्रदेश का किसान के साथ इतना बुरा हाल हो रहा है। मंडियों के अंदर जो है उठान नहीं होता है, बुरे हाल होते हैं, आप सब देख ही रहे हैं। 9 तारीख की रैली का नियम मिला, देखिए मैं बहुत स्पष्ट वादी हूँ, मेरे को मेरे से पूछा नहीं गया ना जो है, और खाली बोलने से तो नहीं बात होती भैया। इलाका हमारा है, कार्यकर्ता हमारे हैं, हमारे साथ अगर बैठ के मशवरा करा जाता तो हम उसका जो है जोर शोर से कांग्रेस पार्टी के लिए आगे काम करते, लेकिन नहीं करा गया है तो कोई बात नहीं, हम अपने अलग से करेंगे। क्योंकि इस इलाके के अंदर तो श्रुति चौधरी ने लड़ना है, मैंने लड़ना है। कोई गुटबाजी नहीं है, सब अपना अपना हलके में लगे हुए हैं, जिसके अंदर दम है वो अपना काम करता है अपने हिसाब से करता है। और कांग्रेस के सबसे ज्यादा मजबूती बात ये है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सक्षम नेता है जो है, एक नेता नहीं है खाली अकेला, और भी बहुत सारे नेता हैं जो अपने अपने इलाके के अंदर वर्चस्व रखते हैं, दम रखते हैं, तो सारे अपने अपने हलकों के अंदर अपने इलाकों के अंदर काम करेंगे। तो कांग्रेस जरूर अपनी सरकार बनाएगी, निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार बनाएगी। अगली बार मेरे यहाँ से जो सांसद हैं जो देशेंगे प्रेस वार्ता में कहते नजर आए हैं कि मैडम किरण चौधरी यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े, मेरी दिली तमन्ना है। भैया उनकी तमन्ना के मुताबिक तो काम नहीं होगा ना सारा। सबका सामान भी कह रहे हैं कि श्रुति चौधरी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। सपा सपा कह रहे हैं कि हम हरा रहे हैं, जिसका कोई वो नहीं उनकी बात ही नहीं, चर्चा ही क्यों कर रहे हो जिसका कोई वो नहीं।